आज मानखुर्द मंडाला कलेक्टर कॉलोनी में एक नवजात शिशु को नाले में फेंकने का मामला दर्ज किया गया। आइए जानते हैं क्या है पूरी जानकारी। नमस्कार, टुडे भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं मानखुर्द मंडाला कलेक्टर नगर में। यहाँ पे एक मासूम बच्चे को नाले में फेंका गया है, ऐसा मामला सामने आया है। और एक शख्स ने जिसने उसको बचाया उसको पुलिस के माध्यम से काफ़ी टाइम समय तक चौकी में रखा गया और अभी तक ये पता नहीं चला कि इसका मतलब इस कांड के पीछे किसका हाथ है, कौन है, और पुलिस अभी जांच कर रही है। आगे हम बताएंगे। कासिम, क्या देखा तूने? मैं पानी फेंक रहा था। हाँ। मैं बच्चे को देखा। हाँ। और मैं डर के मारे ऊपर चढ़ गया। हाँ। और मेरे अब्बा को आके लेके गया। हाँ। फिर सब लोग आ गए। फिर इसके बाद लेके बाद फिर लोग आ गए। उधर लोग आ गए। बच्चे की आवाज सुने आपने? बच्चे की आवाज सुने? किस पे था बच्चा? वो कपड़े में लपेटा था, साड़ी में फेंका हुआ था। हाँ। साड़ी पे। तो उसके बाद सब लोग कहाँ हॉस्पिटल लेके गए? हाँ, हॉस्पिटल लेके गए। नहीं मान रहे, शताब्दी शताब्दी हॉस्पिटल लेके गए। फिर तुमको पुलिस आई, पूछताछ की? पुलिस ने पूछताछ किया? क्या पुलिस वाले बोला तू क्या क्या कर रहा है? मैं बोला नाव का पानी फेंक रहा होगा। बोलता बच्चा गया। मैं बोला हाँ, इधर चिल्लाने का आवाज आया है। बोलता है घबरा गया मत, ऐसा है, टेंशन वेंशन मत लिया कर। फिर हम लोग को लेके गया पुलिस चौकी। उसने एड्रेस डाला, नाम डाले और पता किए, मंडाला पूरी मस्जिद। कितने बजे छोड़ा आपको? कितना टाइम पुलिस चौकी में बैठा? 5:30 बजे छोड़ा। अब कभी बच्चे को देखा आपने? कितने बजे? 9:30 बजे। 9:30 बजे, 10 बजे, 10 बजे रात में। मेरा नाम सबीना खातून है, मंडाले से हूँ, नूरी मस्जिद करबला चाल से। यहाँ पे जब बच्चे की बात आई है, खाड़ी में मिला था इस बच्चे को, तो सब इकट्ठा हुए और उस बच्चे को देखे तो बच्चा नीला पड़ गया था। उसको जल्दी से लेके गए भाग के। अगर कुछ देर होती तो शायद वो बच्चा नहीं बचता था। तो उसको लेके गया शताब्दी हॉस्पिटल। ठीक है, वो लेके जाने के बाद अब उसको ट्रीटमेंट उधर चालू है और मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगी, अल्लाह की वो बच्चा जल्दी से अच्छा हो जाए। और जिसने भी ये काम किया है, मैं चाहती हूँ उसको पता करो और उसको ऐसा सजा दो ना कि दोबारा कोई इसका ये देख के कोई दोबारा ये हल में ना हो। तो सीना ही नहीं है ना, दिल ही नहीं है, क्योंकि जो 9 महीना पेट में रखी और पैदा करने के जो आखिरी दर्द, वो उसी में उसने बच्चे को लाके फेंक दिया। यही वो सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर दिल जैसा दर्द नाम की चीज है ही नहीं। पुलिस के माध्यम से ले गए कि आप लोग खुद हॉस्पिटल में? हम लोग खुद ले कहाँ से लेके गए? पुलिस तो देखिए, पुलिस आते आते आती है, ठीक है, वो आती है तो उनको आते टाइम लगता है। दूसरी बात, हम जो है यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं या जो थे, हम लोग साथ जा करके उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिए। ठीक है, ऐसा पता चला कि बाप ने उसको फेंका? अब जिसने फेंका उसका तो मुंह चेहरा आया नहीं, हालांकि यहाँ पे कैमरा तो लगा है नहीं। कैमरा लगा होता तो उसमें वो पकड़ी जाती या पकड़ा जाता। कोई भी जो फेंका है उसमें उसका कुछ वो नहीं था। क्या कहना चाहेंगे, क्या लोगों को इस बारे में, आज बच्चा को यहाँ पे लाके क्या संदेश देंगे इस बारे में लोगों को, किस तरह से हरकतें ना करें? इस तरीके से हरकत, ये मोहल्ला तो वैसे ही बदनाम है। हाँ, लेकिन उसको सजा मिलना चाहिए। और मैं तो बोल दूँ उसको खाली सामने आ जाए बस। सरकार से आप इसे करेंगे? अब सरकार से हम क्या बोले, सरकार तो सुन, उनको सजा दे औरत को और ये ना सबको सिक्का मिले। मेरा नाम बिल्किस बेगम है। क्या हुआ था कल रात को? कल रात में इस बच्चे ने बच्चे को देखा और आके शोर किया, फिर उसको निकाले हैं बच्चे को। हमारे दो भाभी लोग लगती है, वो लोग उस बच्चे को पूरा क्लीन किए हैं। बहुत गंदा था बच्चा, और जो साथ में महा साथ में जो केड़ी वड़ी आती है, नाल भी नहीं कटा था, मतलब उस बच्चे का वो नाल भी हम लोग ही काटे हैं। और इधर हम लोग कह रही है कि औरतों ने उसे नहलाया धुलाया। पुलिस को 3-4 कम से कम 4-5 बार मैं कॉल की। लास्ट में 103 पे मेरा कॉल रिसीव किए मैम ने, तो वो बोले आप अस्पताल लेके जाओ। और मतलब हम लोग उधर ही आते हैं, बाद में फिर आए थे मैडम लोग इधर इंक्वायरी के लिए। अब इस बच्चे ने जिसने हमको इन्फॉर्म किया, अच्छा कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको सुबह 5:30 बजे तक के अस्पताल में वहाँ पे पुलिस चौकी में बिठा के रखे और उसने मतलब सबको छानबीन किए। और डर भी गया है कल से, जो भी आता है तो रोने लग जाता है लड़का।
क्या लगता है, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये संदेश देना चाहेंगे भाई, जहाँ तक के मेरा नॉलेज और मेरा तजुर्बा है कि हम लोग की ये दो तीन गलियों में ना कोई भी ऐसी औरत नहीं है जो ऐसी हालत में ऐसी कंडीशन में थी कि जो बच्चा पैदा करे, लेकिन फिर भी वो जिस किसी ने भी फेंका है, मैं तो ये संदेश देना चाहूंगी, या तो खुद आके सामने बोले कि मैंने गुनाह किया, और नहीं तो किसी भी तरीके से उसे सजा मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये मामला लगता है कि बाहर से लोग, बाहर कई लोगों का काम है ये, क्योंकि मेरे एरिया का जहाँ तक मैं, क्योंकि एक संस्था से जुड़े भी हूँ, स्नेहा संस्था से, और मैं ये प्रेगनेंसी औरतों के ऊपर ही थोड़ा बहुत काम करती हूँ कि मतलब कौन औरत पेट से है, कौन अस्पताल गई नहीं गई, उसी पे। तो जहाँ तक मुझे आइडिया है, हम लोग के एरिया में तो नहीं थी, हम लोग की गली में। बाहर से कोई अगर आया हो तो उसका कोई मैं नॉलेज आपको नहीं बता रही हाँ, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि उसे सजा मिलना चाहिए, चाहे जो कोई हो। अब उस बच्चे के लिए बहुत माँ बाप तैयार हो गए, कोई बच्चा हमें दे दो, हमें दे दो, लेकिन अब वो तो सरकारी प्रॉपर्टी है इस टाइम। ये चाहूंगी ऐसे को मिले जिसके औलाद ना हो और पॉपुलर उसकी मतलब परवरिश कोई कर सके।